हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इमली की चटनी की रेसिपी बताने वाली हूँ। इमली की चटनी तो बहुत ही यूज़ है। इसको हम दही बड़े में, चाट में, पकौड़ियों के साथ, किसी भी कचौड़ी के साथ कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और यह इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इमली की चटनी अगर किसी भी चीज़ में पड़ जाए, चाट पकौड़ी, ये तो बहुत ही टेस्टी हो जाती है। और ये ना रहे तो चाट पकौड़े का स्वाद ही चला जाता है। तो ये अभी है, मैंने इमली को, 100 ग्राम इमली है, इसको मैंने रात भर पानी में भिगा के रख दिया। ऐसे 2-4 घंटे भी भिगा है तो भी चलता है, और ये बहुत अच्छे से सोख हो जाती है। अगर गुनगुना पानी में भिगाए तो 2 घंटे में भी बहुत अच्छे से सोख हो जाएगी। मेरे को सुबह बनानी थी इसलिए मैंने रात में ही भिगो के इसको रख दिया है। और आप ये देखिए, ये बिना गुठलियों के है, इसमें का बीज निकला हुआ है। तो ये बहुत आसानी से मिक्सर में इसको मैं पेस्ट बना लूंगी और उसको स्ट्रेनर से, छन्नी से छान लूंगी। तो चलिए इसको मिक्सर में डाल लेते हैं। इसके लिए एक मिक्सी का बोल लेंगे और ये सारा इसमें उलट लेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद इसमें सारे मसाले ऐड करके चटनी बनाएंगे। पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है, ये ऐसे छन्नी से स्ट्रेन करके निकाल लिया है। और फिर वापस जो रेशे बचे थे मैंने उसको भी थोड़ा सा पानी डाल के धो लिया है। और वो ये पानी है जिसको मैं बाद में चटनी बनाते समय यूज़ करूँगी। बाकी जो मसाले लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जितना इमली है उससे दोगुना मैंने गुड़ लिया है। ये देखने में गुड़ भले ही ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन जब आप चटनी बनाएंगे तो ये गुड़ बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इमली बहुत ही खट्टी रहती है और इतना गुड़ आपको लगेगा ही लगेगा। बाकी मसालों में जो है, ये आधा चम्मच काला नमक है, 1 चम्मच सादा नमक है, 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर है। ये मैंने धनिया और सौंफ को हल्का सा, दोनों को अलग अलग तवे पे रोस्ट किया है, फिर उसका पेस्ट बना लिया है, सॉरी पाउडर बना लिया है। और ये भुना जीरा का पाउडर है। ये सारे मसाले हमारी चटनी में जाएंगे जिससे कि चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। मैं जो चटनी बनाने आने वाली हूँ बहुत ही अलग तरह से बनाने वाली हूँ। जैसे कि सभी बनाते हैं वो बिना छौंक के बनाते हैं, लेकिन मैं जो चटनी बनाऊंगी जैसे कि मेरी मम्मी बनाती थी, मैं बिल्कुल उसी तरह से चटनी बनाऊंगी। उसको क्या, ये चटनी को क्या करना रहता है, हमें छौंकना रहता है। तो मैं छौंकने के लिए जो चीज़ें ली हैं वो दिखा देती हूँ आपको। ये 1 चम्मच सरसों का तेल है, ये जीरा है, ये सौंफ है, और ये 2 लाल मिर्चें हैं जिसको कि मैंने टुकड़े कर लिया है। ये छौंक में यूज़ होंगे ये सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं इमली का पेस्ट, गुड़ और सारे मसाले डालकर चटनी को बनाऊंगी। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तेल थोड़ा गर्म हो गया था, अब उसमें मैंने लाल मिर्चें डाल ली हैं और ये छौंक का जीरा और सौंफ भी डाल लिया है। खड़ी मिर्चों से, सौंफ और जीरा से चटनी में बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। मेरी मम्मी हमेशा ऐसे ही चटनी बनाती है, इसलिए मैंने भी आज आपको इसी तरह की चटनी सिखा रही हूँ। जीरा लाल हो गया है, अब इसमें हम इमली का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट बहुत ही गाढ़ा है इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसमें गुड़ डाल देंगे। ये मैंने सारा गुड़ इसमें डाल दिया है, वो तो मेल्ट होने देंगे। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगा ये चटनी थोड़ी पतली होती जाएगी। अभी लगभग सारा गुड़ मेल्ट हो चुका है, तो अब इसमें काला नमक, कलर भी कितना अच्छा आ गया है चटनी का। सोल्ट पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर सभी डाल के अच्छे से चला लेंगे। सबको अच्छे से चलाने के बाद चटनी लगभग तैयार हो जाएगी। तब हम इसमें जीरा का पाउडर और धनिया और सौंफ का पाउडर मिला देंगे। चटनी अगर ज़्यादा दिन रखनी है तो उसको अच्छे से पका देना चाहिए। अगर ये चटनी बाहर रखेंगे तो बाहर ये एक महीने तक ख़राब नहीं होती है, अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये 2-3 महीने बहुत आराम से चल जाती है। मेरी चटनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। अभी देखिए चटनी का कलर बिल्कुल कितना ही प्यारा दिख रहा है। चटनी लगभग तैयार हो गई है। जब ऐसे एकदम झाग झाग हो जाए यानी कि चटनी अपनी तैयार है। इसमें ये भुना जीरा का पाउडर है वो ऐड कर देना है और धनिया और सौंफ का पाउडर है उसको ऐड करके हम गैस को बंद कर देंगे और अपनी चटनी अभी रेडी हो गई है। इसको हम किसी भी जार में या कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से इसको निकाल के खा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है, कलर भी उतना ही प्यारा है। अभी ये थोड़ी पतली लग रही है लेकिन जैसे जैसे ठंडी होगी ये बिल्कुल ही गाढ़ी हो जाती है। ये कंसिस्टेंसी ठीक है चटनी उतारने के लिए। ये मसाले अभी थोड़े और घुलेंगे, इनको ऐसे चलाते हुए घुला। दोनों ही पाउडर भुने रहते हैं इसलिए इसको लास्ट में ही डालते हैं जिससे कि उसका फ्लेवर स्टोर रहता है, पकाने की ज़रूरत नहीं रहती इनको। ऐसी कंसिस्टेंसी की चटनी आपको उतारनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।